हौसला नहीं, विक्रम रुका है इसरो नहीं। देश को गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर। नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा श्रीवास्तव। बीती रात भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। चांद पर उतर रहे लैंडर विक्रम से भले ही चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया, लेकिन 125 अरब भारतीयों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। मून मिशन भले पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान के जरिए इसरो ने जो उपलब्धि हासिल की है वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान 2 में इसरो अपने मिशन से महज 2 कदम दूर रह गया। मिशन भले अधूरा रह गया हो, लेकिन 125 अरब देशवासियों को पूरा भरोसा है कि भारत को मून मिशन में कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसरो के साथ ये ख्याति जुड़ी है। ये घटना एक झटका जरूर था, लेकिन इसरो में मौजूद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का भरोसा बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए हौसला भी बढ़ाया। मोदी ने कहा कि देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, वे देश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, मैं पूरी तरह वैज्ञानिकों के साथ हूँ। हालांकि संपर्क भले ही टूट गया है, लेकिन ऑर्बिटर से उम्मीदें अभी भी कायम है। लैंडर रोवर को 2 सितंबर को ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग किया गया था। ऑर्बिटर अभी भी चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगा रहा था। इसरो को उससे संकेत और जरूरी डाटा प्राप्त हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चांद की अधूरी यात्रा में भी भारत की एक बड़ी जीत है। इससे पहले अमरीका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं। कहा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर जाना बहुत जटिल है, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। ऑर्बिटर भारत ने पहले भी पहुंचाया था, लेकिन इस बार का ऑर्बिटर ज्यादा आधुनिक है। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ज्यादा आधुनिक और साइंटिफिक उपकरणों से है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का प्रयोग भारत के लिए पहली बार था। ऐसा कहा गया था कि इसके आखिरी 15 मिनट दहशत के होंगे। ये एक प्रयोग था और इसमें झटका लगा है। जाहिर है हर प्रयोग कामयाब नहीं होते। ये बिल्कुल सही बात है कि चंद्रयान 2 को बिल्कुल नई जगह पर भेजा गया था ताकि नई चीजें सामने आए। पुरानी जगह पर जाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए नई जगह चुनी गई थी। आपको बता दें कि चांद पर पानी की खोज भारत का मुख्य लक्ष्य था और वो काम ऑर्बिटर कर रहा है। भविष्य में इसका डेटा जरूर आएगा। ये एक साइंटिफिक मिशन था और इसे बनने में करीब 11 साल लगे थे। चंद्रयान 2 को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि इसरो लैंडर विक्रम को खोजने में जुट गई है। एक खास तकनीक के जरिए इसरो पता लगा रहा है कि आखिर लैंडर विक्रम गया कहां है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडर विक्रम से संपर्क की उम्मीदें अभी भी कायम है। इसरो ने प्लान बी पर अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके जरिए विक्रम लैंडर को ढूंढने की कोशिश अब शुरू हो गई है। आइए अब आपको विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने की वजह बताते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक संपर्क टूटने की सबसे बड़ी वजह पावर सप्लाई के ठप होने की हो सकती है। इसके अलावा चांद की सतह पर बहुत बड़े गड्ढे होते हैं। जब लैंडर विक्रम उतर रहा होगा तो उसमें से तेज हवा के कारण चांद पर धूल का गुब्बारा उठा होगा। ऐसे में भी संपर्क टूटने की संभावना रहती है। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में पूरी तरह ठीक और सुरक्षित है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लैंडर रोवर को 2 सितंबर को ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग किया गया था। ऑर्बिटर अभी भी चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगा रहा है। 2397 किलोमीटर ऑर्बिटर के मिशन का जीवन काल 1 साल है। विक्रम ने रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसका संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया। जब इसरो से संपर्क टूटने की बात सामने आई तो लोगों को निराशा हुई, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का सबने हौसला बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस पर तंज और व्यंग भरी प्रतिक्रिया आई। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा, मोदी जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भाषण दे रहे हैं, दरअसल ये नेता नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकसभा को मोदी से एक गरीब मुल्क के 900 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए सवाल पूछने चाहिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भारत के इस मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। कई लोग तो इसे विंग कमांडर अभिनंदन से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब ये तो वही बात हुई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 7i न्यूज के लिए पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट।